हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बात की थी हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि किस तरह से उसने सिंध पर आक्रमण किया, अटैक किया और उसके बाद दाहिर को हराया था। अब बात आज जो बात करनी है अगले आक्रमणकारी, जो इम्पोर्टेंट आक्रमणकारी है, महमूद गजनवी। जी हाँ, महमूद गजनवी, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। भारत को ये सिर्फ तबाह करने के लिए आया था। इसने कसम खाई थी कि ये जब तक भारत को लूट नहीं लेगा पूरी तरह से, तब तक हार नहीं मानेगा, तब तक बैठेगा नहीं। तो चलिए इसके बारे में आज पढ़ते हैं कुछ। तो गजनवी, नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये गजनी से कुछ ना कुछ ताल्लुक रखता। गजनी से कुछ ना कुछ इसका ताल्लुकात है। अब उसके बाद बात करेंगे कि गजनी वंश जो चला, राजवंश चला, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो बात करेंगे सबसे पहले अलप्तगीन की। अलप्तगीन की बात होगी, जिसने गजनी राजवंश की स्थापना करी थी 932 ईस्वी में, और इसी का एक गुलाम होता है सुबुक्तगीन। जो इसका गुलाम तो होता ही है और साथ ही साथ दामाद भी होता है बोनस में। अब देखिए, सुबुक्तगीन के दो बेटे होते हैं, एक होता है महमूद और दूसरा होता है इस्माइल। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन आया। सुबुक्तगीन के दो बेटे होते हैं इस्माइल और महमूद। अब कहानी आगे बढ़ती है। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन जो उसका स्लेव होता है 977 पे राजा बनता है, 977 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद। अब इसके बाद 977 में ये राजा बनता है, तो ये भी भारत पर पहले अटैक करेगा। गजनवी से पहले ये भारत पर अटैक कर चुका होता है। कहाँ करता है ये बता दिया जाए, पंजाब में। कहाँ? पंजाब, जहाँ के राजा होते हैं जयपाल। इन पर ये 986 और 987 में क्या करता है? अटैक करता है, जहाँ इसको हार का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है। कब होती है? सुबुक्तगीन मर जाता है 997 ईस्वी में। सुबुक्तगीन मर जाता है। और गजनी बेसिकली था कहाँ? तो ये मान लीजिए ये यहाँ खटारा पाकिस्तान, इसके नीचे ये अपना सिंध था। तो गजनी कुछ यहाँ पड़ेगा, इसके ऊपर काबुल था। बात अभी होगी सोमनाथ की, तो सोमनाथ को भी मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, पॉइंट आउट कर देता हूँ। अनहिलवाड़ा को भी। तो देखिए, अब इसकी मृत्यु हो गई 997 ईस्वी में। अब इनके बीच राजगद्दी के लिए संघर्ष होगा। तो ये था बहुत होशियार सुबुक्तगीन, तो ये क्या कर देता है, पहले ही दोनों जो उत्तराधिकारी इसके होते हैं इनको बराबर बराबर हिस्सों में अपना राज जो होता है इनको डिवाइड करके बांट देता है। लेकिन महमूद था, इसको बड़ी पिपासा थी, लालसा थी, तो ये करता क्या है, इस्माइल को गृह युद्ध में हरा देता है और फिर उसके बाद खुद राजा बन जाता है। अब खुद राजा बनने के बाद देखिए 998 ईस्वी में गजनवी जो है 998 ईस्वी में क्या बनता है? राजा बनता है। राजा कहिए या फिर कह लीजिए, ये पहला ऐसा शासक था कहिए कि जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसने खुद को पहली बार सुल्तान कहा इतिहास में, वो कौन था? महमूद गजनवी था।
अब फिर इसके बाद इसकी उम्र क्या थी जब ये राजा बना, तो उम्र थी 27 ईयर्स, 27 साल इसकी उम्र थी। और इसका जो दरबारी का दरबारी इतिहासकार कोर्ट हिस्टोरियन जो था, दरबारी इतिहासकार वो था उतबी था। अब उतबी जो था ये क्या करता है, उतबी इसके आक्रमणों को कहता है कि ये जिहाद कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जिहाद कर रहा है, धर्म पर लड़ा, धर्म के लिए लड़ रहा है, अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, और ये ईश्वर का दूत है, अल्लाह का दूत है। और फिर देखिए अब इसके बाद की कहानी देखिए, अब जो खलीफा होते हैं, खलीफा इनको मान्यता पत्र देते हैं, अब मान्यता पत्र पा करके ये इतना उत्साहित हो जाता है कि शपथ ले लेता है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक भारतवर्ष पर, मैं आक्रमण करता रहूंगा। अब फिर उसके बाद इसका जो फर्स्ट अटैक होता है, वो होता है जयपाल पर। फर्स्ट अटैक ये जयपाल पर करता है, और जयपाल पर अटैक करता है, उसके बाद देखिए जयपाल पर ये अटैक करता है 1000 ईस्वी में। अब जयपाल को ईश्वर का शत्रु बोला, किसने बोला, इनके महाशय के जो हिस्टोरियन थे, कोर्ट हिस्टोरियन थे उतबी, वो कहता है कि जयपाल जो है ईश्वर का शत्रु है। ईश्वर का शत्रु क्यों है, क्योंकि ये जिहाद के लिए लड़ रहे हैं और वो अपनी रक्षा कर रहा है, तो वो ईश्वर का शत्रु है। अब इसके बाद यहाँ जयपाल क्या करता है, जयपाल की बात में कहानी आप देखेंगे, पढ़ेंगे जब विस्तार से क्लास होगी, तो यहाँ जयपाल इसे लड़ता है, संघर्ष से लड़ता है। फिर उसके बाद जयपाल की ये कंडीशन होती है कि ये जान लेता है, तो ये गजनी पर भी, जयपाल एक बार सेना लेकर गजनी पर भी चढ़ाई करते हैं और वहां इनको बंदी बना लिया जाता है, और उसके बाद कुछ मुआवजा लेकर के छोड़ने की बात की जाती है। और फिर वो यहाँ आते हैं, वापस आते हैं पंजाब, पंजाब में फिर एक संगठन बनाते हैं राजाओं का, और संगठन बनाने के बाद भी छिन्न भिन्न हो जाती है सेना, तब ये खुद अपने आप को भस्म कर लेते हैं, जयपाल अपने आप को भस्म कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद 1002 ईस्वी में ये लड़ता है आनंदपाल से। आनंदपाल कौन होता है, आनंदपाल इन्हीं जयपाल का बेटा होता है। अब उसके बाद सबसे जरूरी जो इसकी जीत होती है, वो होती है 1006 ईस्वी में, ये जीतता है किसको, मुल्तान को, मुल्तान को ये जीतता है। अब उसके बाद की बात अगर करें आनंदपाल को, आनंदपाल के साथ जब ये फिर दोबारा लड़ाई लड़ता है, आनंदपाल बाहर जाके शरण लेता है, कब लड़ता है, बैहिम की लड़ाई 1009 ईस्वी में, तब यहाँ आनंदपाल को ये हरा देता है, आनंदपाल यहाँ हार जाता है। फिर उसके बाद बात की जाए कि इसका जो सबसे प्रमुख कहिए, या फिर जहाँ इसने खूब अपर्याप्त धन की लूट की, वो था नागरकोट में इसने आक्रमण किया, और वहाँ इतने भारी मात्रा में सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं, सोने चांदी के ढाले हुए खंभे, सामियाना, ये सब सारी चीजें ये पाता है, जिसकी बहुत ही ज्यादा कीमत होती है। यहाँ तक लिखा गया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी की किताब में कि ऊंट कम पड़ गए थे, इतना से ज्यादा इसको वहाँ ज्वेलरी, सोने, आभूषण, ये सब सारी चीजें मिले थे, सिक्के मिले थे। अब उसके बाद बात की जाएगी इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अगला अटैक था, वो था 1019 ईस्वी में। ये क्या करता है, 1019 ईस्वी में राजाओं के संगठन को तोड़ने के लिए फिर ये रामगंगा में युद्ध लड़ता है, जहां ये राजाओं के संगठन को तोड़ने में सफल हो जाता है, रामगंगा का युद्ध। फिर इसके बाद 1019 में ही यहाँ से इनको पराजित करने के बाद ये वापस चला जाता है गजनी। गजनी जाने के बाद फिर आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं।
गजनी जाने के बाद ये इसको पता चलता है कि सोमनाथ के जो पुजारी थे, जो मंदिर थी यहाँ सोमनाथ में, जो मंदिर थे, इस मंदिर के जो पुजारी थे, इन्होंने कहा कि सोमनाथ भगवान जो है, सोमनाथ का अटैक। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1024 को ये चलता है, कूच करता है, कहां से? गजनी से रवाना होता है। कहां रवाना होता है? सोमनाथ के लिए। और 1025 ईस्वी में ये कहां पहुंचता है? अन्हिलवाड़ा पहुंचता है। देखिए यहां से कहानी। अब ये सोमनाथ के लिए कूच क्यों करता है? सोमनाथ का अटैक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, सोमनाथ मंदिर के जो पुजारी होते हैं वे कहते हैं कि सोमनाथ भगवान जो है वो अन्य ईश्वरों से, या फिर कहिए अन्य क्षेत्र के लोगों से अप्रसन्न है, इसलिए उन्होंने उनकी उनके नाराजगी से, सोमनाथ भगवान की नाराजगी से ही महमूद गजनवी इतने आक्रमण कर रहा है और इतना अत्याचार कर रहा है। ये बात जब गजनवी को पता चलती है तो वो 30,000 ऊंटों के साथ और अतिरिक्त सेना के साथ चलता है, और उन 30,000 ऊंटों पर सिर्फ सामान लदा होता है, सामान, खाने पीने का सामान लदा होता है, और प्रत्येक सैनिक को बाध्य किया गया था लगभग 7 दिन का भोजन ले जाने के लिए अपने साथ। अब उसके बाद जब ये 1025 में पहुंचता है अन्हिलवाड़ा, तो वहां का जो राजा होता है भीमदेव जो होता है, ये राजधानी छोड़ करके भाग जाता है। राजधानी छोड़ करके जब भाग जाता है तो यहाँ सोमनाथ पर सिर्फ बसते हैं पुजारी। अब उन पुजारियों का काम क्या होता है? वो सिर्फ रक्षा करते रहते हैं किसी भी तरह। लेकिन एट लास्ट यहाँ लमसम 50,000 की संख्या में औरतों और बच्चों का कत्लेआम होता है, जहाँ बहुत ही विकट परिस्थिति हुई। कत्लेआम समझ सकते हैं आप कितनी दुर्दशा हुई होगी वहां लोगों की। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का एक आश्चर्य ये था कि वहां की जो सोमनाथ मंदिर की मूर्ति थी वो चकमक पत्थर के वजह से, चकमक पत्थर के वजह से वो क्या थी, हवा में टंगी हुई थी। कहिए ना, ऊपर उसको टच किया गया था, ना ऊपर सतह को छू रही थी ना नीचे की सतह को, वो एकदम सीधी खड़ी थी, एकदम टंगी हुई थी कह लीजिए। अब उस मूर्ति को ये तोड़ता है, गजनवी तोड़ता है, और उसके बाद उस मूर्ति को ले जाता है मक्का मदीना और गजनी ले जाता है, और वहां की जो प्रमुख मस्जिदें थी उन मस्जिदों के रास्ते पर इसको फेंकवा देता है टुकड़ों को, ताकि वहां के जो लोग नमाज अदा करने जाएं वहां उस मंदिर के, जो सोमनाथ का मंदिर था उसकी जो प्रतिमा थी उसके टुकड़ों पर पैर रख करके नमाज अदा करने के लिए जाए। अब इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण सबसे शासक था, हाँ उसके बारे में चलिए कल पढ़ेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1025 में ये सोमनाथ का आक्रमण करता है, और फिर उसके बाद लास्ट जो इसका अटैक होता है वो 1027 ईस्वी में होता है सिंध के जाटों पर। अब सिंध के जाटों का इसमें क्या रोल आ गया? तो जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था, तो जब ये सिंध के रास्ते से होकर के जा रहा था, ये एरिया ध्यान रहे हैं आप, सिंध है, तो सिंध के रास्ते से जब वो जा रहा था, तब वहाँ जो जाट कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे ये मिलता है और कहता है कि हम लूट करके आ रहे हैं, हमारी सेना थकी है, आप हमें थोड़ा सा जगह दीजिए, हमें विश्राम करना है, हमें आराम करना है, हमें आराम की जरूरत है हमारे सैनिक को। तो सिंधी जाट थे बड़े होशियार, अब रुका लिए। अब उसके बाद फिर कूट दिए, कूटने के बाद फिर जो भी थोड़ा बहुत सोना था उसको अंदर किए, और फिर उसके बाद कहें चलिए आप यहाँ से। तो यहाँ से 127 में फिर वापस आता है गजनी से। किस लिए आता है? जाटों पर अटैक करने के लिए। जाटों ने इसको तकलीफ पहुंचाई थी जब ये सोमनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई थी, सोमनाथ मंदिर को जब लूट के जा रहा था, यही कारण था उसका लास्ट अटैक जो 1027 में हुआ। और फिर उसके बाद 1030 ईस्वी में
इसकी डेथ हो जाती है। अब खेला खत्म हो जाता है यहाँ महमूद गजनवी का। अब इसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे कल।